पहले जो बात यह है कि हमें अपने लोगों को हवा की मजम्मत की तरफ लेकर आना पड़ेगा। हमने हमेशा एक चीज डाली गई है गुलाम कौम में खासकर, कि हम हमेशा फेटलिस्टिक हो जाते हैं। जो हमारे अंदर इर्द गिर्द हो रहा है वो सबको अपना तकदीर मानकर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी तकदीर नहीं है। ये उन कुव्वतों की वजह से हो रहा है, जो कुव्वतें सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और मसाइल की वजह से हम पर आत्मीयत कर रहे हैं। बलूच एडजेक्टिव कमेटी बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक में तमाम आवाम को इसी तरह मोबिलाइज करेगी। इसी तरह उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा और आपका मसला है। दुनिया की किसी भी रियासत में रियासत का काम यह है कि वो अस्पताल बनाए, रियासत का काम यह है कि वो स्कूल बनाए, रियासत का कभी काम यह नहीं होता है कि वो स्कूल और अस्पताल को कब्जा करके उस पर मिलिट्री कैंप्स बनाए। रियासत का काम यह नहीं है कि वो सिक्योरिटी के नाम पे पूरे आपने सिक्योरिटी के नाम पे बलूचिस्तान के हर शहर में कंटोनमेंट्स बनाए हुए हैं। बलूचिस्तान के ऐसे शहर भी है जहां आपने नेवी बेसिस बनाए हुए हैं, वहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन आपने बनाए हैं। हर दूसरे दिन सिक्योरिटी के नाम पर अगर मंजूर होते हैं बलूचिस्तान में, अफसोस का मतलब यह है कि जब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिवीजन में यूनिवर्सिटीज कायम करने की तहरीकें चली, तो उस वक्त के हमारे जो वजीर आला मोहतरम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बात वाजह कर दी बलूचिस्तान के लोगों पर कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, हमें यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें एक मिनट भी नहीं लगता है वो चेक पोस्टों की मंजूरी दे देते हैं। और उन्हीं चेक वो चेक पोस्ट उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। वो बंदूक जो उन्हें ली गई, वो बंदूक इसलिए ली गई है कि किसी तरह किस तरह बलोच पश्तून हजारा जो भी कम्युनिटी यहाँ आबाद है उनकी नस्ल कुशी की जाए, उनको तंग किया जाए, उनको रोजमर्रा उनके उनके मासूम लोगों को उनके मासूम बच्चों को मारा जाए ताकि वो मजबूरन इस मुल्क को अपनी जमीन को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तो ये वो चीजें हैं हमें समझनी है कि अगर हम हमारा बगा उस वक्त मुमकिन है जब हम एक पूरी कौम के तौर पर इस जद्दोजहद को अपनाएंगे, इस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएंगे। वरना मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान भर में अगर आप देखा जाए सिर्फ सीपैक एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, बलोचिस्तान के हर जगह से आपको माली वसाइल मिलेंगी, कुदरती वसाइल मिलेंगी। बलोचिस्तान में आज भी कलाब समेत ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे तेल की पैदावार हुई है, तेल की दरियाफ्त हुई है। तो क्या ये लोग हर जगह को फेंस करके वहां बंद कर देंगे? हमें इस चीज पर बात करने की जरूरत है। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, सुबरते सुबरते ये जमीन हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगी, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर हम देखें मिलिटराइजेशन के नाम पे, ग्वादर कोर की मलकियत किसके पास है? बलूचिस्तान हुकूमत के पास नहीं है, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के पास है। अगर हम देखें भी तो किस तरह गैर कानूनी तौर पर हर दूसरे जगह में हर दूसरे शहर में गैर जरूरी कंटोनमेंट्स बनाए गए हैं। ये जो जमीन कब्जा किया गया है, ये जो अपने लिए हर शहर में एक अलग शहर बनाया गया है, हमें इसके खिलाफ बोलना है। हमें उन तमाम अहलकारों के खिलाफ बोलना है जो अगर इस पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत मुआफिज है तो उन्हें बॉर्डर पर तैनात किया जाए। उनकी तैनाती की जगह बलूचिस्तान में मौजूद वो गैर फाल स्कूल नहीं है। बलूचिस्तान के बच्चों को पढ़ना है, हमें इलाज की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, मगर आपने क्या किया? आपने हमारे स्कूलों को हमारे अस्पतालों को मिलिट्री कैंप्स में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपने उनको क्या दिया है? सिर्फ तशद्दुद दिया है, सिर्फ और सिर्फ हर दिन हर रात आप उनके घरों में चापा मारते हैं और उनको अपनी असल शक्ल दिखाते हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हमेशा एज ए मिलिट्री स्टेट डील किया है, इसी वजह से बलूचिस्तान में एक छोटी सी आसामी पे वर्की करने के साथ साथ बड़े बड़े फैसले, तरक्याती काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, कोई सड़क भी बनाना तो उसके ठेकेदार फौजी होंगे, कोई भी चीज करना तो उसका ठेकेदार फौजी होगा। और इस फौजी को किसने इतनी ज्यादा वो दी है? हमारी खामोशी ने, क्योंकि हमने खामोशी से इस सब चीजों को बर्दाश्त किया। हमने रहम की उम्मीद उस रियासत से की, उस एलकारों से की जिनकी तरबियत भी बेरहमी की जाती है, जिनकी
जिनको तरबियत भी इस तरह दी जाती है कि किस तरह आम आबादी को आपने मफलूज करना है, किस तरह आम आबादी को आपने सप्रेस करना है। तो ये सोचने की बात है, और यकीन करें ये मजम्मती जो तहरीक है, ये बलोच जद्दी कमेटी अकेले कभी कामयाब नहीं हो सकती इस पे, जब तक पूरी आवाम इसके साथ ना हो। हम मोबिलाइज कर सकते हैं, हम अपने लोगों को हकीकत बता सकते हैं, शायद वो कोई टीवी चैनल ना बता सके, या कोई वो नाम न्याज जो हमारे कौम परस्त पार्टियां हैं वो ना बता सके। हम वो हकीकत आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा और आपका काम है। जब तक इस सियासी मुजम्मत में, इस पुराने मुजम्मत में आप अपनी कुव्वत नहीं देंगे, तब तक बलूचिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। आज सिर्फ बॉर्डर में एक मेगा प्रिजन बन रहा है, तो यकीन कीजिए बलूचिस्तान के कोने कोने से कुदरती और ये जो मादी मसाइले निकलते हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बलूचिस्तान जैसे अब छावनी है उसी तरह छावनी बन जाएगी, और उस वक्त हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये तहरीक, ये मजम्मत एक अवामी तहरीक है, ये उन उसूलों के लिए है, उन चीजों के लिए जिस पर किसी ने बात नहीं की। 75 सालों के बाद हम यहाँ पहुंच चुके हैं, वो लोग जो हमसे पहले जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो हमारे सियासी लीडर थे, उन्होंने हमसे यही कहा था कि वक्त बहुत कम है यहाँ पे मौजूद कौमों के पास, और यही मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि वक्त बहुत कम है। अगर हम आज भी सियासी मजम्मत के बजाय खामोशी का रास्ता अपनाएंगे, तो शायद कल को हम अच्छे तरीके से अपने जमीन से बिल्कुल तौर पर दस्तरदार हो जाएंगे, और फिर कल कोई बलोच ये नहीं कहेगा कि बलोचिस्तान में रहता है, और ना ही पश्तून अपने जमीन में रहने के लिए एक मकामी पश्तून के क्लेम कर सकता है। थैंक यू।